आपण समस्तंकु तंत्र विद्या चैनल रे स्वागत। तो बंधुगण आपणक स्क्रीन रे गोटे गछ देखा जाउछि बा गोटे घास देखा जाउछि। आपण माने एही घास को देखिले निश्चय चिन्ह पारुथिबे। एही घास सर्वत्र देखिया पई मिलि थाए, किंतु आपण माने कोन भाबंती एही घास को आपण माने एटा को वेस्ट बोली कि भाबि थांती। किंतु भाई देखंतु एहा द्वारा आपण माने असाध्य रोग को मध्य ठीक करि पारिबे। एहार एते गुडी चमत्कारी औषधीय प्रयोग होई थाए जहां आपण माने आज पर्यंत जानि नहंती, केवल एही घास को देखि छंती। तो सर्वप्रथम देखंतु एहा एक घास मु आपनको देखौछि, एहा जेउ जगह रे पानी थाए से जगह रे होई थाए, एहा को नागर मुथा बोली कुहा जाय थाए। देखो तो मु आपन मानको साहित्यिक नाम कहौछि, किंतु विभिन्न अंचल रे एहा को विभिन्न नाम रे डाकी थांती, किंतु मु जहां ओरिजिनल नाम ताहा ही कहौछि। तो सर्वप्रथम देखंतु एहार मूल रे बुझले, एही घास मूल रे गोटे कंदा परिका बुझले ना, ए साइज रे गोटे कंद परि होई थाए। किंतु आपन मानको सेही कंद ही व्यवहार करबा पड़िबो। धरिनेतु आपण मानकर धातु दुर्बलता समस्या अछि, जो मानकर बीर्ज पानी परि पतला हेउछि, जो माने स्त्री सहित मिलामिसा करि पारु नहंती, ताहाले से माने कोन करिवे एहार कंद को उपाड़िबे। आउ कम से कम 1 ग्राम रु 2 ग्राम पर्यंत कोन करिवे 50 ग्राम अश्वगंधा रे मिक्स करिवे एवं सेइटा को जत्न सहकार रखिबे। आउ आपण मान कोन करिवे प्रतिदिन खीर सहित जदि छ आपण मान सेइटा को पीबे दिन को 2 थर, सकाळे थरे संध्यारे थरे, ताहाले भाई आपण मान को जते मध्य धातु समस्या से सब निश्चित भाबर दूर हबो। जो मानकर पानी पर धातु हेछि से मानकर मोटा हबो। ता छोडा देखंतु स्त्री मानकर जो आमर मेन स्वंती से सब जदि छ प्रॉब्लम होए, तांकर पेट व्यथा होए, ताहाले से माने कोन करिवे देखंतु इहार फल बुझले, एई घासर फल मु आपण को देखौछि। देखंतु एटा को आपण माने एटा को व्यवहार करिवे बुझले। जदि छ स्त्री मान जो ऋतुस्राव होंती ना, से समय जे पेट व्यथा होछि, ताहले मात्र 5-6 टी घासर फल नेबे बुझले। तापरे एटा को आपण निंब रस सहित मिक्स करके आपण पीबे। तो देखंतु निंब रस केते परिमाण, कम से कम गोटे चामच नेबे निंब रस। तापरे एटा एतिके मात्र देखंतु, कम से कम एटा 10टा हबो, 10 टी एका मिक्स करके जदि छ पीबे, जे समय पेट व्यथा होथिबो ताहले तांकर मासिक ऋतुस्राव पर पेट जंत्रणा दूर होई जीवो। ता छोडा धरंतु काहाको आंठू गंठी बात हेउछि। भाई देखंतु आजिकाली पिला बुढ़ा समस्त को आंठू गंठी बात हेउछि, से माने बसिले उठि पानते नाही, उठिले बसि पानते नाही, ताहले से माने कोन करिवे एही घास को से माने संपूर्ण भाव उपाड़ी के नेबे। तापर एटा को कोन करबे क्वाथ प्रस्तुत करबे, क्वाथ बुझिले कि नहीं। क्वाथ माने देखंतु सेटा को सिझेबे, गोटे ग्लास पानी देबे, गोटे ग्लास रु कम से कम 4 भाग करबे गोटे ग्लास को बुझिले। धरने तो 4 भाग करंतु, मात्र गोटे भाग रहिबो सेटा को क्वाथ कहिबे। सेटा कोन करबे गरम थिबा अवस्था रे गोटे कोना नेबे बुझिले, सेही कोना रे से पानी रे बुढेबे जो गरम पानी, आ सेही जेउ जगहटी आपनकर व्यथा होची सेही जगह रे आपन माने सेक देबे। ताहले भाई आपन मानकर जत्ते पुरुना ठु पुरुना बात हो था ना, कहीं से सब ठीक हम। ता छड़ा धरतु कौन सी व्यक्तिर हाइड्रोसिल, भाई हाइड्रोसिल कहीं हुए देखो आम जो ब्रुक कहती से आपर पानी जमा हुए से हाइड्रोसिल कह जाए, नचे कौन सी जगह माड़ बाजि जाए बुझले, हठात माड़ बाजि जाए ताल फुली जाए। जदि सेमती किसी समस्या होने कौन करेंगे यार रस ने पथरी बुझले, एमती अधिकांश लोक अच्छा जो मानक पथरी होता है से मैंने कौन करेंगे यार मूल देखु यार मूल यहीटा यूल को एक आपण मैंने बाहर करेंगे, मात्र 1 इंच मूल बाहर करेंगे, आईटा को कम से कम बहु परिमाण बाहर करेंगे। आउ दुटा तीन टाइम हम ना बहु परिमाण बाहर करके आप खाली केवल से मूल रस बुझे, से मूल रस को आप कौन करेंगे आपण मैने प्रतिदिन सका आ पीजे खाली पेटर, ताहले आपण मानकर पेट भितर जहां मध्य पथरी थिबो से सब खंड बिखंड होइकि आपणकर मूत्र साहाज्य रे से सब बाहरी जीव। आउ रहिला आउ गोटे कथा देखंतु, जदि छ आपण मानकर बाल झड़ुछि बुझले, चंदा हवा को लागुछंती, ताहले आपण माने कोन करबे एही नागर मुथा रस बुझले यहार सर्वांग उपाड़ी नेबे, तापर ताकु छेचिबे रस बाहर करबे। आउ सही रस को आपण माने कोन करबे लूण सहित, जो समुद्री लूण आजकल जो पाउडर लूण मिलुछि सेटा नय, समुद्री लूण जोटा गोटा गोटा होइथाय सेटा कोन करबे आपण माने एही रस मिसेबे से लूण सहित। तापर आपण मानकर बाल रे जदि छ आपण लगेबे निज मुंड रे एटा रात्रि समय लगेबे, ताहले भाई आपण मानकर जत्ते मध्य बाल झड़ीबा समस्या थिबो से सब निश्चित भाव रे दूर हबो। काईडी नाही हो हाँ, तापर आउ गोटे उपाय आपण मानको कहूछि देखंतु, अधिकांश स्त्री पुरुष अछंती जो मानको मुहरे कला धला स्पॉट आसे बुझले, कला धला स्पॉट आसे से माने कोन करिवे यार सर्वांग रस नेबे
ବୁଝିଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ରସକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ରସ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପୁରା ରକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଫାଟାଫୁଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଳା ଧଳା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ତ ଭାଇ ଏତିକି ଏକା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହୁଛି, ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।